और रायपुर से बड़ी खबर है, बलौदाबाजार में हुई हिंसा पर अब सियासत तेज हो गई है। पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने भाजपा पर निशाना साधा, औरंगजेब से बीजेपी सरकार की तुलना उन्होंने की है। भारतीय जनता पार्टी ने सतनामी समाज को प्रताड़ित किया, ये बात कही है पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने। डहरिया के बयान पर अब डिप्टी सीएम अरुण साहब का बयान सामने आया, उनका पलटवार सामने आया। उन्होंने कहा कि शिव डहरिया झूठी और बेबुनियाद बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है। क्या कुछ कहा दोनों ने आपको सुनाते हैं। सतनामी समाज के खिलाफ हमेशा भारतीय जनता पार्टी रहती है और इसीलिए उन लोगों ने कोई जांच कमेटी गठित नहीं की। समाज कई दिनों तक मांग करते रहा, कई महीनों तक मांग करते रहा, उनकी मांग नहीं सुनी गई, इसलिए इस तरह की घटनाएं हुई है। और ये कानून व्यवस्था की स्थिति हम लोग पहले भी कहते आ रहे हैं कि बहुत खराब स्थिति में है प्रदेश में। रोज चोरी डकैती हत्या बलात्कार और मॉब लिंचिंग इस तरह की घटनाएं हो रही, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई सरकार द्वारा नहीं की जा रही है। सरकार के फेलवर होने के कारण ही ये घटना हुई है। हाँ, ये जानकारी मिली है, बहुत सारे लोगों को बिना जांच के उठा लिए गए हैं और उनके साथ मारपीट भी की जा रही है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। ये सब चर्चा के बिंदु रहेंगे। शिव कुमार डहरिया जी हमेशा झूठ और बेबुनियाद बात बोलते हैं। सतनामी समाज गुरु घासीदास बाबा के मान सम्मान और गौरव बढ़ाने का काम हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में भारतीय जनता पार्टी ने किया है। पिछले 5 सालों में किस प्रकार से सतनामी समाज के साथ ज्यादतियां हुई है ये समाज के लोग बखूबी जानते हैं। शिव कुमार डहरिया जी का बयान बेबुनियाद और राजनीतिक बयान है।